मैं आपको एक ऐसा नाश्ता दिखाने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही छोटे से ठिया पे शुरू हुआ और इतनी ज्यादा चर्चा में है कि आज 5 दुकानें दुबई तक ये सर्व कर चुके हैं। और आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या खास है कि यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है। निखिल भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। निखिल भैया, आपके कानपुर शहर के लोग और नाश्ता हमें इतना बढ़िया लगा है कि यहाँ पे लोग छोले भटूरे, छोले पूरी ये सब छोड़ के मक्खन के साथ नाश्ता खाते हैं, वो भी सफेद मक्खन के साथ। बिल्कुल। और आपने शायद ये चीज शुरू करी है। जी। तो बताइए थोड़ा सा अपने बारे में और कैसे आपने चालू कराई है। हम लोग बेसिकली गोंडा के रहने वाले हैं, तो जब हम लोग हमारे बाबा लोग यहाँ पे आए तो घर में जानवर हुआ करते थे। उस समय क्या था कि नौकरी को आदमी कमतर रखता था, रादर देन जैसे जॉब आज फैसिनेटिंग हो गई है। जी जी जी। पहले नौकरी उतनी फैसिनेटिंग नहीं हुआ करती। जी जी जी। तो बाबा लोगों ने अपना ही जो है छाछ देना शुरू किया। उस समय ब्रेड का चलन नहीं था, बर्गर के पत्ते पे लोग बाग मक्खन लेके खाया करते थे और मच्छा पिया करते। अरे वाह। फिर धीरे धीरे हम लोगों की जनरेशन आई, हम लोगों ने हमारे पिताजी ने जब विरासत को हैंड ओवर किया तो फिर ब्रेड आई, ब्रेड ये मक्खन व्हाइट हम लोग मक्के लगा के देने लगे। जी जी जी। और फिर जब हम लोग आए और ये आज की जनरेशन से जब हम लोगों ने फीडबैक लेना शुरू किया, जब मैंने देखा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिम कल्चर डेवलप हो रहा, लोग मिलेट्स की तरफ, मोटे अनाजों की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ब्रेड्स और बन में मैदे को मिनिमलाइज करके और मिलेट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। अरे वाह। तो अभी मिलेट्स वाले बन हैं। हाँ, मिलेट्स के हमारे पास बने और हमारी अपनी बेकरी यूनिट है। पहले क्या होता, हमारे पिताजी एक कार्ट लगाते थे। जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैंने एमिटी से कंप्यूटर साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस बिजनेस में आया, हमने इसका एक्सपेंशन जो है आउटलेट्स के फॉर्म में किया। अच्छा। तो ये कार्ट बिकॉज इट इज हेरिटेज, तो ये एज इट इज चल रही है। बाकी जो हमने एक्सपेंशन किया, राइट नाउ वी आर रनिंग 4 स्टोर्स इन द सिटी, तो वो सारे स्टोर्स जो है QSR मॉड्यूल पे हैं। पहले हम, हमारे भाई और हमारे पिताजी इस ठेले पे सारा काम मैनेज कर लेते थे। आज ईश्वर की दया है कि 20 लोगों के परिवार का ये व्यापार माध्यम बना है, 4 स्टोर्स हमारे चलते और ये कार्ड चलता। तो जब इतना कंजम्पशन ब्रेड का बढ़ गया तो हमने अपनी इन हाउस बेकरी यूनिट डाली। क्या बात है, क्या बात। तो सारे ब्रेड सारे बंस के एक्सपेरिमेंट हम अपनी इन हाउस बेकरी में करते हैं। तो हम अलग अलग तरीके के कुकीज, मिलेट्स के बंस, सारी चीजें ऑफर करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं। जी 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 जी। मल्टीग्रेन है, पाइनएप्पल बन है, ये मैंगो अल्फांजो बन है जी। और सारी वैरायटीज हैं जो कि अभी खत्म हो गई हैं फिलहाल। तो हम लोग बेसिकली मैदा अवॉइड करके मिलेट्स प्रमोशन में व्हाइट मक्खन, मिलेट्स के बंस और ये छाछ जो रिफ्रेशिंग है जी, यही कानपुर का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट। एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेमिसाल है ना, इस चीज की नकल कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, दूसरी बात ये है कि आप मिलेट्स में दे रहे हैं, तो आपने उसको भी और बेटर कर दिया है। हाँ जी। ताकि हेल्थी वाले जो लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर भी आप कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप आराम से अपना मिलेट वाला भी खाइए, साथ में सफेद मक्खन खाइए, जिम जाइए, भागिए, जो मर्जी करिए। और तीसरा सर, आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप, एक जो सोच है ना एंटरप्रेन्योर्स वाली, वो बहुत कमाल है। कानपुर में मैंने ये देखा है कि हर कोई एक स्टार्टअप का फाउंडर है या एक स्टार्टअप कर चुका है, वो बहुत ही बढ़िया सोच है और ये कानपुर में ही है। इसका रीजन सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं उनसे हमारी बॉन्डिंग कभी कस्टमर और शॉपकीपर वाली नहीं। यहाँ हम लोग अंकल से ज्यादा चाचा कहने में बिलीव करते हैं। अरे वाह। उसका रीजन ये है कि यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़े। वो हमें ठेला वाला कह के नकारते नहीं, बल्कि हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम इस चीज को लेके और आगे बढ़े। तो ये पूरा शहर आपको अपना मानता है और उसी तरीके से प्रोत्साहित करता है, ये कानपुर का अपना अंदाज है। हमें थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पे बेकरी में जो बंस है वो कौन से हैं और मक्खन कौन सा है और मठा कौन सा है, सब दिखाइए। मैं आपको मल्टीग्रेन बंस से शुरुआत करना चाहूंगा। ये बिल्कुल, इस मल्टीग्रेन का फ्लोर भी, अभी आप लेट हो गए वरना मैं आपको दिखाता हमारी बेकरी यूनिट में कैसे चीजें स्टेप वाइज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा। ये मल्टीग्रेन बन है, इसको चूंकि ये बन हमारा थोड़ा साइज में अनयूजुअल होता है, बड़ा होता है जी, तो इसको हम डबल लेयर में स्लिट करते हैं। अच्छा। और भैया क्या भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है सब कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके और आप हमारे। हमारा शहर हर किसी को अपना बना लेता है। जी जी जी। बहुत बढ़िया। ये भैया फ्रेशली चर्न्ड व्हाइट बटर है। ये है जी फ्रेशली चर्न्ड व्हाइट बटर। और भाई साहब ओए हो, क्या बात है, वाह। और ये मिलेट वाली ब्रेड है सर। बिल्कुल, वाह। ये इसमें भैया मसाले पड़ते हैं जी, ये भुना हुआ जीरा, काला नमक और सेंधा नमक का कॉम्बिनेशन होता है जी। लोग बात स्वीटनेस के लिए हमसे शक्कर डलवाते थे कि भाई इसमें थोड़ी शक्कर डाल दो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर हमने कहा जब सारी चीजें हेल्दी हो रही हैं तो हमने उसको हनी से सब्स्टिट्यूट कर। अरे भाई। तो ये इस पे हनी के साथ लोग बात बहुत पसंद करते हैं। वाह, ये हनी टॉपिंग आ गई सर, कमाल कर दिया। उसके बाद ये सेकंड लेयर। अच्छा, ये सेकंड लेयर है अभी। हाँ जी। अच्छा, इस पे क्या होता है, अभी मैं कुछ वीडियो अपने ही देख रहा था तो उस पे लोग बात कह रहे थे जी कि ये मक्खन हेल्दी कैसे हो गया जी। जिस तरीके से गाय का घी और देसी घी लोग बाग रिफाइंड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं देसी घी से, ये उससे भी रिफाइंड प्रोडक्ट। करेक्ट।
ये वाइट मक्खन जो है, जो दही होता है जिसमें कैल्शियम और सारे मिनरल्स होते हैं, ये उससे निकाला हुआ फैट है जी। इट मींस इट इज अ हेल्दी फैट, और फैट बॉडी की रिक्वायरमेंट है जी। अदरवाइज आपकी जो बोन्स हैं और जो क्रैम्प्स ड्यूरिंग जिम आते हैं लोगों को, अगर आप ये बटर कंज्यूम करते हैं और आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, इट विल बी हेल्दी फॉर यू। ये अमेरिकन कंपनीज ने जो अपने एक वो कहते हैं ना नैरेटिव लगाया है कि भारतीय प्रोडक्ट्स जो है, जो व्हाइट बटर है, घी है, वो खराब है और हमारा प्रोसेस वेजिटेबल ऑयल सही है, बिल्कुल ये अब तोड़ने का टाइम आ गया है। अब आपको व्हाइट मक्खन और ये जो अपना देसी घी है इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, और ऐसा बन मल्टी ग्रेन वाला या मिलेट्स वाला खाना चाहिए। वाह भैया, इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा और टाइमिंग्स क्या है, प्राइसेस क्या है, सब बताइए। पहले हम नाना राव पार्क, यहाँ कानपुर में मॉल रोड पे नाना राव पार्क गेट पे हमारे बाबूजी लगाते थे, ये कार्ट आपको एज इट इज वही मिलेगा आज भी और आगे भी। हमारी कोशिश है कि जो टॉर्च बियरर हमारे ग्रैंडफादर बने हम उसको बरकरार रखें। इसके अलावा वी हैव एक्सपेंडेड थ्रू आउट द सिटी, तो राइट नाउ हमारे चार स्टोर है, एक हमारा जाजमऊ में, एक हमारा साइट नंबर 1 किदवई नगर में, आर्य नगर चौराहा स्वरूप नगर। जहाँ भी आप हो सेवा का अवसर जरूर दें, वी आर देयर टू वेलकम यू, टू सर्व यू द ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट ऑफ आवर सिटी, द ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट ऑफ कानपुर, प्लीज कम। बहुत बढ़िया, और सर एक बार मक्खन पे नजर दिलवाइए और उसके बाद मट्ठा दिखाइए। पब्लिक का प्यार है, अरे वाह, स्टोर चार जगह है, पब्लिक का प्यार है और स्टोर चार जगह है, और आप क्या खाने आए सर? इसी कारण से स्टोर चार जगह हो गए, ये पब्लिक के प्यार की वजह। बिल्कुल, अभी क्या खाने आए सर? अभी तो मट्ठा पीने आए। मट्ठा पीने आए, अरे वाह, चलिए आप एंजॉय करिए सर। ये देखिए भाई साहब, इधर है ये सफेद मक्खन, फ्रेशली चर्न्ड बटर, एंड भाई एकदम कमाल की बातचीत है, इसकी ब्रेड में भी लग जाएगा और बन में भी लग जाएगा, आप वैसे भी खाना चाहें तो मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये देखिए इधर भी बंस है और इधर भी बंस है। हम भैया करीब 6 से 7 तरीके के बन अभी सर्व करते हैं अपने स्टॉल। इसमें मसाला कॉर्न बन है, फोकाशिया ब्रेड है जी, मैंगो अल्फांसो बन है, फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट बन है, चेरी बन है, मल्टीग्रेन बन है। इंस्टेड ऑफ हम आउटडोर इवेंट्स भी करते हैं। अभी क्या है कि कानपुर के लोग जगह जगह के अब बिखर चुके हैं, कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ बिजनेस, कोई बैंगलोर शिफ्ट हो गया, कोई अमृतसर पंजाब शिफ्ट हो गया। तो क्या होता है जब उनके वेडिंग इवेंट्स या फैमिली इवेंट्स होते हैं, दे इनवाइट अस, तो हम अभी यहाँ से जगह जगह जाते हैं इस प्रोडक्ट को सर्व करने। अभी हम लीला सर्व कर चुके हैं, अमृतसर सर्व कर चुके हैं, कलकत्ता सर्व कर चुके हैं। अरे वाह, और एक मजे की बात आपको बताऊं, एक हमारी लखनऊ की फैमिली थी वो फॉर्चुनेटली दुबई शिफ्ट हो गए, अभी अक्टूबर में हम ये प्रोडक्ट लेके दुबई सर्व करके आए। अरे वाह, क्या बात है, तो सब जगह चखा चुके हैं। अच्छा आप इधर देखिए, ये जो जैसे चर्न्ड बटर का जो मट्ठा है ये वो है, और एक बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत बहुत ही मतलब पेट के लिए, तो आप समझ लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण है सर। रामबाण जी, बिल्कुल रामबाण। और ये मट्ठा सीधा ग्लास में, वाह, और इसमें जो है ऊपर से मसाला जीरा, अरे वाह, तो इसके टेस्ट में चार चांद लगा दे। और सर इसका भी प्राइस बता दीजिए। 30 रुपीज, इसका भी 30 रुपए। 30 रुपए, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। अभी हम ये जो बढ़िया हेल्दी नाश्ता है इसको ग्रहण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। प्लेजर विल बी ऑलवेज माइन सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारे मिलेट्स के प्रोडक्ट है। अच्छा ये मिलेट्स, अच्छा ये मिलेट्स के प्रोडक्ट्स है। भैया ने आईपैड रखा है सब दिखाने के लिए, भैया हमारा काम बड़ा आसान कर दिए हो। जो जहाँ हमारा प्रोडक्शन होता है पहले यहाँ पूजा होती है। अच्छा, अरे वाह, ये हमारे बड़े भैया, ये हमारा ऑफिस है। अरे वाह, क्या बात है, पूरा व्यवसाय बनाए आप। हाँ, ये हमारी बेकरी यूनिट आ रहे बन, पहले वेरीफाई होते हैं। अच्छा है, ये रात में 12-1 बजे की मेहनत है। अरे भाई, ये सब बन ब्रेड जो है मल्टीग्रेन बेस होने के। क्या बात। अच्छा, ये आज का हमारा स्वाद वटांदरा, इधर देखिए मल्टीग्रेन बन, और इधर ये कौन सा भैया? ये भैया फोकाशिया ब्रेड, ये फोकाशिया ब्रेड है, और ये चेरी बन, ये चेरी बन, ये फ्रेश फ्रूट पाइनएप्पल, और ये मट्ठा है। तो भाई सबसे पहले तो ना ये मट्ठा ट्राई करते हैं, इधर देखिए, ओहो हो हो हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, देख के मुंह में पानी आ रहा था। भाई रिफ्रेशिंग, सिंटिलेटिंग, और एक दो इंग्लिश के और शब्दों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट है यार, मज़ेदार है, शांत कर देगा आपको, आपकी आवाज़ बंद कर देगा और आपका मन करेगा कि बस घूंट लेते जाएं। घूंट बाद में लेंगे, पहले ये बाइट ली जाए, ये निवाला जो है वो चखा जाए। हियर इज अ निवाला। इससे हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा भाई साहब, एकदम जबरदस्त है, यूपी के अंदाज का इंटरनेशनल नाश्ता है ये। आप भी जब भी कभी कानपुर आओ जरूर ट्राई करना, आप डेफिनेटली बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार। अरे वाह, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, प्रोफेसर एमिटी में। अरे वाह, ये सारी जो है
वासीनाथ। साड़ी की होलसेल की दुकान है और बासीना का मंदिर जो है वो इस तरफ है। और ये किस चीज के लिए, मतलब किन का मंदिर है? शिवजी भगवान का मंदिर है। यहाँ पे साड़ियों की होलसेल की मार्केट है और अभी हम फिलहाल जहाँ पे घूम रहे हैं। भाजी ई रिक्शा लेना पड़ेगा ना? हाँ जी। यार ये बड़ा सुंदर बना हुआ है स्मार्क, भैया को रुकवा लिए? आइए भैया, तो वापिस आ रहे हैं। आप नहीं चलेंगे भैया? बिराना रोड, मान गए ना आप? तो भैया मान गए हैं और हम बैठे हैं ई रिक्शा पे। और अभी किधर जा रहे हैं? बिराना रोड जा रहे हैं पप्पू समोसे वाले के। बिराना रोड जा रहे हैं पप्पू समोसे वाले भैया के यहाँ। और ये देखिए, ये ओल्ड सिटी है ना? हाँ जी, ओल्ड सिटी। बिराना रोड की जो रोडे हैं जी, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। बिराना रोड की जी, अंग्रेजों ने इतनी बढ़िया रोड बनवाई है वो। अच्छा जी भैया, आदमी अच्छे नहीं थे पर काम अच्छा करते थे। राशन की होलसेल मंडी, और जितने बर्तन देख के मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, ये सारे बर्तन यहाँ रखे हैं, ये देखो। और भैया क्या नाम क्या है मार्केट का? नयागंज में, ये देखो। ओ भाई साहब, सारे खड़े मसाले, बैठे मसाले, लेटे मसाले, सब यहीं पे। वो खुशबू आ गई। यहाँ से कानपुर के बाहर भी जाता रहता है। है जी, कानपुर के बाहर भी जाता रहता है यहाँ से। यहाँ से? हाँ जी। अरे वाह, में जितने भी छोटे छोटे शहर हैं जी, कानपुर में आते हैं यहाँ से लेके चले आते। अरे वाह, ये देखो मिर्ची। और यहाँ पे मिर्ची है जी, स्टेशन के बगल में ये मार्केट है। अच्छा, अरे वाह, पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो जी। बिराना रोड भी एक तरीके ज्वेलरी मार्केट का आ जाता है, और ज्वेलरी शॉप भी बहुत है। जी जी जी, ये अरे वाह, क्या बात है, सही जगह पे कैमरा खोला हमने। इसमें क्या हमने समोसे दिखाने हैं ना? आइए आइए आइए, इधर तो देखो, बहुत ही कमाल का नाश्ता ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। ये 3 बज रहे हैं अभी भी नाश्ता। वाह, अब बात है, एकदम रंगीन हो रखा है यहाँ पे पूरा सेटअप। और इधर मिर्ची भी है यार, मिर्ची का पकौड़ा है। और ये क्या है, कचालू? ये सूखे आलू है भाई साहब, ड्राई। और इसके साथ ये काफी कुछ है। कानपुर शहर में बिराना रोड पे नाश्ता मिलता है मात्र 1 रुपए से शुरू, और भाई 18 रुपए का पेट भर नाश्ता। इतने कमाल की यहाँ पे वाइब है, खस्ते भी हैं, मिर्ची पकौड़ा भी है, ब्रेड पकौड़ा भी है, बहुत सारी चीजें। खस्ते बनाने का जो इनका अंदाज है वो इतना कमाल का है कि ऐसे खस्ते आपने कहीं खाए नहीं होंगे। शर्त लगा लो मेरे से। सर से बात करते हैं एक बार। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? हम अभी आए थे बहुत दूर से समोसे देखने, पर आपकी खुशबू आई इस खाने की तो हम इधर आ गए। आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, चंदन जी की खुशबू ने हमें यहाँ पे रोक लिया है और हम नाश्ता करेंगे अभी चंदन जी के साथ। तो ये इसको खस्ते कहते हैं, कचौड़ी कहते हैं? ये खस्ते। वाह, ये दिखाइए सर, इसमें कैसे बनाते हैं, पेड़ा वगैरह क्या रहता है इसमें? अच्छा, उधर बना रहे हैं चंदन जी, उधर से घूम के, इधर से घूम के चलते हैं। एक सेकंड सर जी, सॉरी यार। ये देखो जी, चंदन जी दिखाइए, ये प्लेट लग रही है। वाह, क्या बात है यार, एकदम कमाल भाई साहब, स्ट्रीट फूड जिंदाबाद। एक बार ये पेड़े दिखाएंगे सर, इसमें क्या डाल रहे हैं? अंदर पीठी डालते हैं? डालते हैं। वाह, तो भाई साहब इसमें पीठी भी है। और ये देखिए, ये प्लेट एक और लग रही है ये। वाह, साथ में पकौड़ी और ये दही है। वाह भाई साहब, वाइब चेक कर रहे हो आप, क्या कमाल की वाइब है यार। इधर देखिए, ये रेडी रखे हैं इन्होंने खस्ते, और इसके अंदर हंसते हंसते कुछ सर्व कर रहे हैं, कुछ भर के। उधर भी जाते हैं जी, पूरी बात बता दो। हाँ जी, खस्ते में मिर्चा है, आलू है। अच्छा, दही बड़े जी, उसके साथ मिर्चा दिया जाता है जी। और आप नाश्ते में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, सुबह खाते हैं? खाया आज आपने, कैसा लगा? झंझनाहट हुई? नहीं, रोज हम तो खा रहे हैं। अच्छा, आपको आदत हो गई है, आज हम खाएंगे, हमें तो झंझनाहट होगी, है ना? देखिए, नहीं आपको अच्छा लगे, आप दोबारा फिर खाने आएंगे? जरूर सर, जरूर खाएंगे, धन्यवाद सर। तो ये देखो, पेड़े को इन्होंने ये तो बेल दिया और ये साइड में लगा दिया। इसके अंदर पीठी रहती है भैया? दाल की पीठी है। और ये देखो, एकदम छोटे साइज के खस्ते जो है वो तैयार करते हैं, इधर फ्राई होते हैं। और फ्राई करके देखो कितने सुंदर, कितने खूबसूरत और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सर आपका नाम क्या है जी? कमल कुमार जी इस तरफ जो है अपने कस्टमर्स को बड़े प्यार से और बड़े इश्क मोहब्बत से सर्व कर रहे हैं। सर इसमें क्या क्या भरते हैं आप? आलू है जी, वो बड़ा है, एक बार भर के दिखाइए सर। वाह, पूरी एक्शन वाली दुकान है भाई, ये देखिए। एक और भर के दिखाइए सर, ये देखिए, ये पहले तो फाड़ा और ये आलू भरे। आलू में सर हींग रहती है इस वाले में? जी, मसाला रहता है पूरा। मसाला रहता है, पूरा मसाला है भाई।
ये आलू भर दिए और इधर ये पहाड़ बना दिया है और इधर ये मिर्ची का पकौड़ा भी है और ये क्या है सर? ये मंगौड़े हैं और साथ में ब्रेड है। अरे वाह, तो आप दिखाइए सर अब प्लेट कैसे लगाते हैं। उस्ताद जी देखिए अब ये जो भरे हुए खस्ते हैं उनको ये मंगौड़े भर दिए अंदर और इसके साथ ये क्या है सर? चटनी और ये दही। वाह, ये साथ में मिर्च, क्या बात है। वाह, और सर ये कितने का नाश्ता है? 18 रुपए के दो खस्ते। वाह जी वाह, आज के जमाने में 2024 में। वाह जी वाह, बजट के आने के बाद। वाह जी वाह भाई, 18 रुपए का। अभी तो आपको एक और नहीं पता है। अच्छा, ये सिंगल मिर्ची कॉस्ट आप कितनी बताए? 1 रुपए की मिर्ची है। ओ भाई साहब, 1 रुपए तो यहाँ कानपुर अगर मूव करना हो तो लोग रख लेंगे। क्या बात है यार भाई, 1 रुपए की मिर्ची और 18 रुपए का खस्ते वाला नाश्ता और यहाँ पे एकदम कमाल की वाइब। भैया ये आपका एड्रेस क्या पड़ा? विराना रोड। आपका नाम, दुकान का नाम? मोहन खस्ते वाले। और टाइमिंग आपके यहाँ की? 9 से 6। और मैं प्राइस तो पूछूंगा ही नहीं क्योंकि 1 रुपए से अभी नाश्ता आप शुरू कर रहे हैं तो इससे तो कम क्या ही होगा ना। बढ़िया भैया, बहुत बहुत जबरदस्त है और बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। अभी हम इसमें से एक प्लेट हमारी भी लगवाते हैं और एंजॉय करते हैं। दिखाइए सर। आज इत्तेफाक की बात ये है कि भाई निखिल भाई ने भी यहाँ के खस्ते नहीं खाए हैं, हमने क्योंकि हमने यहाँ पे आते ही देखा, दुकान पे नजर पड़ी तो हमने सोचा कि खाते हैं, तो दिखाइए कि कैसे खाते हैं। इसमें तो पूरा मिक्स करके दिया इन्होंने। जी जी जी, क्योंकि आलू दही बड़ा चटनी बढ़िया इन्होंने बना के दिया है। जी, अब तो सीधे डायरेक्ट खाना ही। ओए होए, दिखाइए सर कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा, मतलब एक नंबर है। अरे वाह,